आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023 के लिए एडुटेरिया के बिहार जीके प्रैक्टिस सेट 5 को देखने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करेंगे जो कि आपके BPSC एग्ज़ाम के लिए और प्रीवियस ईयर BPSC एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न इसमें शामिल हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके BPSC शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं प्रश्न के ऊपर। इससे पहले हमने जो है सेट 4 तक करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और अभी हम जो है बिहार जीके प्रैक्टिस सेट 5 को जो है करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करेंगे, जो ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बिहार BPSC शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए, क्योंकि इससे पहले ये एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, मतलब किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा 3 जनवरी 2000 ईस्वी को जो है बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यकाल का सदस्य जो होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है, कितना का होता है, 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो है नवादा, अरवल और जहानाबाद जो है आपका ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकार कौन होता है, मतलब किसी राज्य का जो है उच्चतम विधि अधिकारी जो कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और राज्य के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका उत्तर तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी राज्य के जो है उच्चतम विधि अधिकारी जो होते हैं वो महाधिवक्ता होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने। तो वह जो हो जाएगा रामनाथ कोविंद, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, समझ गए। रामनाथ कोविंद भी है और जाकिर हुसैन भी है, राजेंद्र प्रसाद भी है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। देखिए जाकिर हुसैन भी जो है बिहार के गवर्नर बने और उसके बाद जो है प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति भी बने थे, समझ गए। और यहाँ पर रामनाथ कोविंद भी बने थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई, समझ गए। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना है। तो बिहार मतलब विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो आपका 25 वर्ष है, कितना है, 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से शक्ति कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। अब बताइएगा कि राज्यपाल को जो है कौन सी शक्ति जो है प्राप्त है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, वित्तीय, विधायी, न्याय संबंधित, आपातकालीन शक्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि वित्तीय भी है, विधायिकी भी है और आपका आपातकालीन शक्तियाँ भी है, समझ, न्याय संबंधित भी है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने, अब्दुल राशिद, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल गफूर और अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जो बने थे वो आपके जो थे अब्दुल गफूर, समझ गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर आपका 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। तो किसी राज्य के जो है संपूर्ण प्रशासन जो है निम्नलिखित में से जो है राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्य द्वारा जो है वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की जो बात है वो अनुच्छेद जो है आपका 202 के तहत कहा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन को जो है संपूर्ण देश में जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। अगला है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ सीमा साझा कौन करता है। तो सिवान, बक्सर, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम चंपारण, क्योंकि पश्चिम चंपारण जो है नेपाल और आपका जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले में तापमान सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर हो जाएगा गया। गया जिला में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में जो होता है गर्मी के समय में ज़्यादा तापमान होता है।
अगला प्रश्न है, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथल मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? चंपारण, कैमूर, मुंगेर, कटिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, कैमूर में पाई जाती है रेत एवं कंकड़ युक्त बलथल मिट्टी। अगला प्रश्न है, कोसी नदी किस स्थान से गंगा नदी में मिलती है? तो कोसी नदी जो है निम्नलिखित में से आपका जो है कुर्सेला स्थान से जो है गंगा नदी में प्रवेश करती है, मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 17वां प्रश्न है, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण आपके बिहार में जो है हिरण्यवाह के नाम से जो नदी को जाना जाता है वो आपका नदी है सोन। समझ गए? अगला प्रश्न है, ये आपका प्रश्न तो हो ही गया ना, 9, 10, 11, 12, 17 तक तो करवा ही दिए थे, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध तुतला जो आपका जलप्रपात है ये आपका जो है सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, लीची उत्पादन बिहार का स्थान देश का कौन सा है? तो लीची उत्पादन में बिहार का स्थान जो है प्रथम है पूरे भारत में। अगला प्रश्न है, और कहाँ पर पाया जाता है? मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? तो बिहार सरकार द्वारा जो है कृषि रोड मैप की 1 की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से आपका जो है 2008 ईस्वी में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो जैविक बढ़ावा देने के लिए जो है जैविक कॉरिडोर हेतु भारत बिहार के जो है 13 जिलों को मतलब चुना गया। अगला प्रश्न है, सेवक राम तथा हुल्लास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से है? तो सेवक राम और हुलास लाल का संबंध जो है बिहार के निम्नलिखित में से जो है आपका पटन कलश शैली से जो है संबंध है। अगला प्रश्न है, मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मखाना अनुसंधान जो संस्थान है वो आपका दरभंगा जिला में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर क्या है? तो कुल साक्षरता दर जो है आपका 61.8% है। समझ गए, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन है? तो बिहार में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो आपका जो है गया है। कौन है? गया है। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है आपका सासाराम में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, डचों ने बिहार पर अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? तो डचों ने अपना बिहार पर जो है फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेजी अधिकारी मारा गया? तो पटना में जो मतलब आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था 1857 का, तो उस समय जो अंग्रेजी मतलब अधिकारी जो मारे गए थे वो थे डॉक्टर आर लॉयल। समझ गए। अगला प्रश्न है, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बहावी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे बिहार के वो थे मौलवी विलायत अली। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वराज नामक समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो आपका शांति नारायण जी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न है, सचिनंद्र नाथ सनायल ने पटना अनुशीलन समिति एक शाखा का कब स्थापना किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 1913 में किया। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जो है यह आपका भागलपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में अम्बाली सत्याग्रह 1939 ईस्वी के नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो अम्बाली सत्याग्रह 1939 ईस्वी में हुआ था इसका नेतृत्व जो है आपका श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका वन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में जब तक गाँव के लोग की दशा में सुधार नहीं होती तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है? तो यह बताइए कहाँ किया था? मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि सॉरी मुजफ्फरपुर में बोला था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। मोतिहारी में तो वो पश्चिम चंपारण जब गए थे तो वहाँ पर सत्याग्रह उन्होंने किया था, जो बिहार के विजय शुक्ल थे जिन्होंने बोला था कि यहाँ पर लोगों को दंडित किया जा रहा है, अपराध किया जा रहा है, उसके लिए जब गांधी जी आए थे तो उनके खिलाफ आंदोलन किए थे। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर, बिहार के किस व्यक्ति के खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया? तो बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध करने वाले जो लोग थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा भी थे,
हाशम ईरान थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के कृषकों का नेतृत्व जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किया था स्वामी विद्यानंद। समझ गए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति ने अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो बिहार में जो है जब 1928 में बैठक हुआ था उस समय जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो वह जो थे आपके सर अली इमाम थे। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिहार में नमक सत्याग्रह के रूप में किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो नमक सत्याग्रह का रूपरेखा जो है बिहार में निम्नलिखित में से जो है राजेंद्र प्रसाद बाबू जी के द्वारा जो है तैयार किया गया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो जब 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व जो है भगवती देवी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? तो बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान जो है निम्नलिखित में से जो है 1930 ईस्वी में शुरू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1937 में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का बैठक जो मतलब उसका मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था वह क्या किया गया था? तो वह जो था मोहम्मद यूसुफ के द्वारा किया गया था। समझ गए। अगला प्रश्न, कहीं कहीं आपको जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा भी मिलेगा। बिहार के नील बागवान मालिकों द्वारा हुए किसानों को शोषण में किसको महात्मा गांधी को अवगत कराया? तो बिहार में नील बागानों के द्वारा हुए किसानों शोषण में महात्मा गांधी को जो है अवगत कराने वाला कौन लोग था? तो वह जो था निम्नलिखित में से मैं आपको बता दूं कि वह जो था राजकुमार शुक्ल था। समझ गए, राजकुमार शुक्ल, जो कि 3 बार फेल हुए लेकिन 4th बार आगे गांधी जी बिहार में जाकर वह चंपारण में उन्होंने यह खत्म किया। कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन है? तो नान्य देव जो है कर्नाटक वंश के संस्थापक है। अगला प्रश्न है, मगध महाजन पद में बिहार के कौन सा जिला सम्मानित है? तो मगध महाजन पद में जो बिहार का जिला मतलब सम्मानित है वो कौन है? तो वो जो है आपका पटना और गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ गए, लिच्छवी के द्वारा जो है विश्व द्वारा प्रथम गणतंत्र वैशाली को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक मतलब कि आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे? तो वो हो जाएगा मुंगेर। समझ गए, वो क्या हो जाएगा आपका? मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु जो है उसकी हत्या जो है निम्नलिखित में से कब किया था? तो वह जो हत्या है वह 493 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो वह जो था उदयन था। समझ गए, उदयन ने जो था पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध का राजधानी बनाया। आगे बात करते हैं अंतिम प्रश्न के, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अशोक घोष द्वारा किया गया था? तो अशोक घोष द्वारा जो रचना किया गया था वो क्या था? चरक संहिता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो बिहार से रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 प्रश्न मैंने किया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने मार्क्स आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।